हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आज हम आपको मैथ की क्लास लेकर आए हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है, घड़ी को जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचा जाता है तो 870 रुपये अधिक मिलते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? हमसे घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मान लीजिए घड़ी 100 रुपये की है, घड़ी को 6% लाभ पर बेचा जाता है, 6 जोड़ देंगे तो 106 रुपये पर जब बेचा जाता है, और 6% हानि पर बेचा जाता है। घड़ी का मूल्य 100 रुपये, 6% हानि पर बेचा जाता है तो कितना हो जाता है? 6% हानि पर, अगर 6% हानि पर बेचेंगे तो यह 94 रुपये की बिकेगी और यह 106 रुपये की, तो 870 रुपये अधिक मिलते हैं। जब घड़ी को 6% लाभ पर बेचा जाता है और 6% हानि पर बेचा जाता है तो 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इनका जो अंतर है ये 870 रुपये अधिक के बराबर है। तो यहाँ पर 94 और 6, इनका अंतर निकालेंगे, घटाएंगे तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यानी 12 रुपये का अंतर बराबर कितना है? चूँकि 12 बराबर अंतर कितना है? 870 है। इसलिए हमें घड़ी का मूल्य CP हमेशा 100% पर लगता है। 100 रुपये बराबर कितना होगा? 870 गुणे 100/12, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 यहाँ आ गया तो 3 बच गया, 30 हो गया, फिर 12 2 24 6, 12 5 60। अब यहाँ पर हो गया 72.5 गुणे 100 कर देंगे तो 72 150 रुपया कितना आ गया? 7250 रुपया। 7250 रुपया इसका मूल्य आ गया, विकल्प नंबर 4 में सही है। कितना आया? 7250। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भिन्न के अंश में 12% वृद्धि तथा हर में 2% की कमी। मान लीजिए भिन्न क्या है? 100 है, तो भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि हो गई, तो भिन्न का अंश 112 हो गया, भिन्न का हर भी 100 था, 2% कमी हो गई तो भिन्न का हर कितना हो गया? 98। यह 100 में 12 जोड़ दिया 112, 100 में 2 घटा दिया, यानी भिन्न के अंश में अंश भी 100 है, हर भी 100 है, तो जब अंश 100 है तो 12% की वृद्धि यानी 12 बढ़ गया, हर में कमी यानी 100 में से 2 कमी 98 बराबर कमी हो तो भिन्न 6/7 हो जाती है। कितनी हो गई? भिन्न 6/7 हो गई। अब भिन्न जब 6/7 हो गई तो मूल भिन्न क्या है? इसका मूल भिन्न क्या है? तो यहाँ काट देंगे, यह बराबर का मतलब इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो यहाँ पर 112 गुणे 7 बटे 98 गुणे 6, 6 से यहाँ 7 से काट दीजिए, 7 14 हो गया, फिर 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 8 हो गया, तो यह भिन्न कितनी आ गई? 8/6। 8/6 नहीं दिया है, भिन्न को काट के छोटा किया है, 4/3 यही आपका उत्तर होगा। तो यह किस विकल्प में है? विकल्प नंबर 2 में है, 8/3। इस तरीके से दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु की कीमत 20% घट जाती है, मूल कीमत बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? तो इसके लिए एक ट्रिक है, यक्स गुणे 100/ जो कमी या वृद्धि हो, कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस, यहाँ यक्स है, इसी बेस पर लगाना है, तो इस बेस पर जब लगाएंगे तो यक्स बराबर हमारा कितना है? 20% है।
तो x बराबर 20% है, तो यहाँ पर 20 × 100 बटा ये घट गया दाम है, तो 100 में से 20 घट गया, 80 आ गया, काट दिया, 20 × 4 = 25, ये 25% आ गया, 4 से 100 को काटेंगे 25 आ जाएगा। हमने थोड़ा तेज काट दिया, समझ में नहीं आया होगा। यहाँ जब एक दाम दिया हुआ है तो कितना घटाया जाए कितना बढ़ाया जाए वाले प्रश्न में, x बराबर जो घटाया जाए बढ़ाया जाए वाले प्रश्न है, x बराबर 20 है इस प्रश्न में, x बराबर 20 है, कमी है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 20 × 100 हो गया सूत्र के आधार पर, कमी हुई है 100 में से 20 घट गया, 80 आ गया, तो 20 × 80 हो गया, 4 बच गया, 4 से 100 काट दिया 25, 25 हमारा तीसरा विकल्प सही है, तीसरे में 25% दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन है, 80 × 8 × 4 + 3 − 10 का मान क्या होगा, तो 80 × 8 × 4 + 3 − 10, तो देखिए पहले भाग योग के नियम के आधार पर जब इसको गुणा भाग देंगे, 80 में 8 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 4 + 3 − 10, 10 × 40 + 3 − 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 43 − 10 = 33, आपका उत्तर आसान से हल हो गया, तो 33 पहले ही विकल्प में दिया हुआ है इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन 4/6, पांचवा क्वेश्चन है, 7/8, 6/9, 8/10, 3/7, तो गुणे के प्रश्नों में 7 देखिए, 7 से कैंसिल आउट हुआ, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 3 है, 3 त्रिक हो गया, यानी 4/10 = 30, 4/30 हमारा आंसर है। अगर ये आंसर नहीं है तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो यहाँ आंसर मिल जा रहा है 4/30, तीसरे विकल्प में सही है, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प सही है। इस तरीके से प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के प्रश्नों की वीडियो ही समाप्त होती है। यह वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, 1 लाख लाइक और 1 सब्सक्राइब से आपके पैसे नहीं कटेंगे, हमारे हौसले बुलंद होंगे, हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।